हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट ब्रोस। मेरा नाम है निखिल, है मेरा भाभी शेख। हेलो। तो गाइस, मच अवेटेड भाई जो ट्रेलर था सलमान खान की मूवी का, वो ट्रेलर आ चुका है भाई। भारत ऑफिशियल ट्रेलर निकल गया हुआ है और इसका बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे। इसका जो टीजर आया था वो भाई फैबको आया था और उसका हमने जब टीजर रिएक्ट किया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस पे हमको। और मतलब तब हमारा चैनल न्यू शुरू ही हुआ था। हाँ। और ये पहली वीडियो थी जिसमें मतलब कि इतने सारा मतलब लाइक्स और व्यूज बजे हमें। हाँ। भाई कमेंट से तो पूरा भर गया हुआ था। सही बात है। और जब टीजर आया था, टीजर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी भाई न्यूज में और हर जगह। लेकिन जो ट्रेलर आया है, तो ट्रेलर आते ही भाई धमाका हो गया और एक घंटे पहले ट्रेलर आया है और सारे फैंस मतलब पागल हो गए सलमान खान के। तो भाई के फैन तो भाई हम भी भाई के फैन है। सही बात, पूरा इंडिया भाई का फैन है यार। तो जल्दी से जल्दी ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। बिल्कुल। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स। 71 साल पहले ये देश बना और उसी वक्त शुरू हुई मेरी कहानी। लोगों को लगता है कि एक मिडिल क्लास बूढ़े की लाइफ कितनी बोरिंग रही होगी, अब उन्हें क्या बताएं? जितने सफेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। जवानी हमारी एकदम जाने मन थी, उस वक्त देश की हालत नाजुक थी, एम्प्लॉयमेंट था नहीं। और फिर एक दिन हमें पता चला अरब में तेल निकला है जी। तो क्या सर पे लगाएंगे? नाम और उम्र बोलो। भारत। भारत क्या? मेरे बाबूजी ने देश के नाम पर मेरा भी नाम रखा है। अब अगर उसके आगे पीछे मैं कोई सरनेम लगा दूं, तो इस नाम का कद और इज्जत दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। भारत, इस दफ्तर में चुनाव का नामांकन पत्र नहीं भरा जाता। और जिस नौकरी के लिए आप आई हैं, उसमें इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं। और फिर हमारी जिंदगी में आई मैडम सर। हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट थी, प्यार, दोस्त, फैमिली। लेकिन हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है। कुछ रिश्ते खून से होते हैं और कुछ जमीन से। तेरे पास दोनों हैं। जो वादा अपने बाबूजी से किया था, उसकी सूट। और शायद वही दर्द आपको जिंदा रखता है। जिंदा हूँ मैं तुझ में, तुझ में रहूँगा जिंदा। खोड़ के सब जंजीरे, मैं आजाद परिंदा। से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है। तुझ में पूरा देश है भारत। तो गाइस, ट्रेलर को देख के तो लग रहा है कि सलमान खान इसमें कोई नेवी ऑफिसर का रोल वो कर रहे हैं ना। पहले हमें यही लगा था, बट फिर बाद में हमें पता चला कि यार इसमें बहुत सारे रोल्स कर रहे हैं। बहुत सारे रोल्स हैं, सही बात है। हाँ, और वैसे इसमें तो वो एक्सपर्ट है, जुड़वा वगैरह वगैरह मूवी जो की हुई है उन्होंने। सही बात है। और वैसे भी कहा जा रहा है कि भाई एक कोरियन मूवी थी उसके ऊपर बेस्ड है, कोरियन थी या जापानीज मूवी थी शायद कोई, उसके ऊपर बेस्ड है ओड टू माई फादर, कोई ऐसी मूवी थी। उसमें कुछ स्टोरी लाइन इस तरह की है कि अपने पापा के लिए कुछ करते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा बताया हुआ है।
तो भाई जैसी मर्जी हो, हमारी बॉलीवुड की मूवी बॉलीवुड की होती है भाई, तो है। भाई ने बहुत अच्छा काम किया हुआ। तो भाई इस मूवी के बारे में हमने थोड़ी सी रिसर्च की थी पहले ट्रेलर देखने से पहले, तो हमको यहाँ तक पता चला था कि इसमें एक जर्नी है, एक बंदे की, एक ऑर्डिनरी पर्सन की जर्नी है कि वो भाई अपने 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र में अपने देश को कैसे देखता है आजादी के बाद, क्योंकि वो बंदा हमेशा पैशनेट रहता है, ठीक है, और इसी के ऊपर देश बाद काफी ज्यादा चेंजेस आए थे भाई हमारे देश में, तो कैसे एक आम इंसान की लाइफ में चेंजेस आए वो सब इसमें दिखाया हुआ मूवी के अंदर। तो भाई हमें तो पता ही है सलमान खान जो है उनका नाम ही बस काफी होता है उनकी मूवीज में। सलमान खान का मतलब भाई ब्लॉकबस्टर, जब भी मूवी आएगी ईद तो पहले की बुक रहती है भाई उनके लिए। सही बात, और ईद पे मूवी आती है तो भाई एकदम धमाका। और भाई इसमें दिशा पटानी भी है, पता नहीं दिशा पाटनी तो उसमें दिशा पाटनी भी है, और मुझे लगता कि सिर्फ एक ही सॉन्ग के लिए है शायद। हाँ, वो शायद किसी गाने में, या फिर हो सकता है कि कोई लाइफ के अंदर उनका जैसे ऑर्डिनरी मैन के ऊपर दिखाया हुआ भाई लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, तो क्या पता लाइफ के अंदर कुछ ऐसा चेंज आया हो जिसमें दिशा पाटनी आई हो। सही बात है। तो भाई सलमान भाई की मूवी, और मेरे को लगता है किसी को बोलने की जरूरत है कि वो कब आ रही है और कब नहीं आ रही, आप सबको पता ही है, और जाने के लिए भी बोलने की जरूरत नहीं है भाई, पक्का देखना जाके। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।